प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स व्यापारिक मंच को किया संबोधित। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, अंतर इंट्रा ब्रिक्स व्यापार को आसान बनाने से परस्पर व्यापार और निवेश और भी बढ़ेगा। ग्यारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस, ब्राजील और चीन के राष्ट्रपतियों से की मुलाकात। पीएम मोदी ने अपनी द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान व्यापार और इससे जुड़े अन्य अहम मुद्दों पर उनके साथ की चर्चा। महाराष्ट्र की सियासत में मचे उथल पुथल के बीच बीजेपी में तमाम मुद्दों पर अपना रुख किया स्पष्ट। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर शिवसेना और दूसरे दलों को सरकार गठन का मौका नहीं देने के आरोपों को सिरे से किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट में आज दो अहम मसलों पर फैसला आ सकता है। पहला फैसला रफाल विमानों की खरीद को लेकर और दूसरा केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर फैसला सुनाएगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना के अधिकार के तहत प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय भी आता है। कोर्ट ने 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि सीजीआई ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोकभवन में गन्ना ऐप का किया शुभारंभ। इस अवसर पर उन्होंने कहा, पहले गन्ना किसान उपेक्षित था और आत्महत्या करने को मजबूर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे किया सशक्त। औद्योगिक नगरी कानपुर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में विभाग की योजनाओं में सुधार किस तरह किया जा सकता है, इस बात की विभागीय अधिकारियों के साथ की गई चर्चा। सुल्तानपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा जागृति अभियान कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों व नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, जन सहयोग के बिना शासकीय प्राथमिक शिक्षा को सुधार पाना दुस्वप्न है। एटा जिले के जलसा क्षेत्र स्थित शाहनगर टिमरुआ गांव के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने गंदगी और कई अनियमितताओं को देखते हुए ग्राम सचिव शैलेंद्र कुमार को किया निलंबित। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को नोटिस देने के साथ ही खुले में शौच को जाने वालों को जेल भेजने का दिया आदेश। गौतम बुद्ध नगर में 50% होमगार्डों की ड्यूटी फर्जी मास्टर रोल पर हाजिरी लगाकर थाने की फर्जी मोहर इस्तेमाल कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का घोटाला आया सामने। यह घोटाला होमगार्ड के एक प्लाटून कमांडर की शिकायत की जांच के दौरान आया सामने। बाराबंकी में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी कर रहे पिता पुत्र को एसटीएफ ने पकड़ा। पिता पुत्र हैदरगढ़ विकासखंड में पिछले कई सालों से फर्जी डिग्री के मदद से शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के साथ ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी दिलाने के रैकेट का भी किया खुलासा। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में जरिया थाना क्षेत्र में खेड़ा शिलाजीत गांव के जंगलों में दुर्लभ प्रजाति का सांभर हिरण वन विभाग की टीम ने लिया अपने कब्जे में। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पशु अस्पताल में हिरण का कराया उपचार। केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत देशभर में जल पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश लेकर सेना की साइकिल रैली कन्नौज पहुंची, जहां लोगों ने रैली में शामिल सभी 15 यात्रियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से 11 से 13 सितंबर 2019 के बीच इलाहाबाद में स्वच्छता ही सेवा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस दिन को देश भर में बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।